कहते हैं डायरेक्शन को। हर एक संत जहां पत्थरों की बारिश है वहां ये हुक्म के शीशे का कारोबार करो। स्टोन्स आर रेनिंग एंड यू आर डूइंग बिजनेस ऑफ ग्लास। सक्सेस इज सो मच इंपॉर्टेंट एंड डिफिकल्ट, सो यू हैव टू प्रिजर्व योरसेल्फ इन द क्लाइमेट विच इज कॉन्ट्ररी। और दूसरी बात मैं ये कहता हूं, सक्सेस हैज नो एंड, सो नेवर लुक फॉर सक्सेस। डू योर वर्क विद फुल डेडिकेशन, डिवोशन, सिंसेरिटी एंड यू बिकम पार्ट ऑफ इट। उसमें खो जाइए आप, जम हो जाइए, उसमें लीन हो जाइए, जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आपको दिया है। क्योंकि हम जो कर रहे हैं शायद वो हमको कभी कभी अच्छा नहीं लगता, फिर भी हम करते हैं। हमारे पास बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हैं, अनुराग बत्रा साहब बैठे हैं, हमारे कटवा साहब बैठे हैं और हमारे मंत्री साहब मेरे साथ प्रेसिडेंशियल एयरक्राफ्ट में सफर कर चुके हैं, अब्दुल्ला साहब बैठे हैं, साध्वी जी बैठी है। मैंने इनको खास तौर से आमंत्रित किया है कि इनसे हम कुछ सीखेंगे। अमरेंद्र कटवा साहब भी हमें कुछ हमें सिखाते रहते हैं, राघव चंद्रा साहब हैं, रजनीश गर्ग साहब हैं और हमारी होस्टेस बैठी हैं। मेरे कहने का मतलब है यू आर ऑल सक्सेसफुल पीपल, सो सक्सेस इज येट टू कम, दैट इज माई क्लोजिंग सेंटेंस। सो कीप डूइंग गुड वर्क एंड यू आर सक्सेसफुल। एंड सेकेंड थिंग, you can't say I'm successful, let others say that you are successful, that is success. When others start saying that you are good, you are successful, that is the success. Not that when I say I'm a big doctor, I'm very successful, no, wrong. So second thing which I always tell to the people, and that is the major cause of failure in the younger generation, I can see young faces, is you have to be humble, humility. If one is not humble, success is much farther, far away. क्योंकि जहां भी कहीं टकराव होता है हम humble नहीं होते हैं, disagreement करते हैं, boss की बात नहीं मानते हैं, माँ बाप की बात नहीं मानते हैं, very important, वहीं कामयाबी हमसे बहुत मीलों दूर भाग चुकी होती है। So this is to be told to the generation, because हम लोगों की तो पिटाई होती थी स्कूलों में, canning होती थी। अब मैं अपने बच्चों को सुनाता हूँ, मैं patients से हमेशा डिस्कस करता हूँ कि साहब हमें बहुत मारा जाता था, और मैं तो मॉनिटर था, वो कमची तोड़ने वालों में होता था। तो मेरी पिटाई एक बार इसलिए हुई कि जो नीम की टहनी में तोड़ के लाया था उसको हम लोग कमची कहते थे बिजनौर में, वो टूट गई मारते मारते। हमारे रामपाल शास्त्री साहब हिंदी के टीचर थे, उनसे जो बची हुई थी उससे मेरी पिटाई लगा दी। तो अभी जो जनरेशन है उसको हमको लेके चलना है, ये जनरेशन हमारा फ्यूचर वेल्थ है और यही हमारा साथी है, यही हमारी धरोहर है, हमको उसकी रक्षा करनी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ, एंड आई हैव कम टू लिसन ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर, एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट द टीम ऑफ भंडारी फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस प्रोग्राम। एंड इतने सारे लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं प्यार से, तो ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एंड आई ऑलवेज रिमेम्बर हिज फादर व्हेन आई स्टैंड हियर टू टॉक। Thank you very much, Bhandari Saab, madam, and all of you, to let me come and speak here. And I wish this program a great success.